स्टार्ट। संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत हल्ले हंगामे से होना अब उसकी नियति सी बन गई है। एक परंपरा के तहत संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई, लेकिन दूसरे दिन दोनों सदनों में जो कुछ हुआ वह भी एक अलिखित परंपरा की तरह से हुआ। यह परंपरा है हंगामा और नारेबाजी करके सदन को न चलने देने की। हाल के समय में संसद सत्र के ऐसे शुरुआती दिनों का स्मरण करना कठिन है जब वहाँ हंगामे और नारेबाजी के बजाय कोई सार्थक बहस हुई हो अथवा तय विधायी कामकाज अपेक्षित गरिमा के साथ हुआ हो। चूँकि संसद सत्रों की शुरुआत हंगामे से ही होने लगी है, इसलिए विधानसभाओं में भी ऐसा ही होता है। किसी किसी विधानसभा में तो शुरुआती दिन अनिवार्य तौर पर पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी होती है। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे ही नज़ारे अब संसद में दिखने लगे हैं। कई संसद सदस्य बहस के लिए तैयारी करने से अधिक ध्यान किस्म किस्म के नारे लिखी तख्तियां बनाने पर देने लगे हैं। यह संसदीय कार्यवाही के क्षरण का अस्पष्ट प्रमाण है। विडंबना यह है कि राजनीतिक दल एक ओर संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं और दूसरी ओर वहाँ उसकी गरिमा गिराने वाला आचरण भी करते हैं। इससे बड़ी त्रासदी यह है कि संसदीय कार्यवाही के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए कहीं कोई पहल होती नहीं दिखती। उल्टे ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि संसद में हंगामा करके और कामकाज बाधित करके राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रणनीति का परिचय देते हैं। यह तर्क नहीं कुतर्क और साथ ही संसदीय व्यवस्था का घोर निरादर है। राजनीतिक हंगामे नारेबाजी और व्यवधान का पर्याय नहीं हो सकती। जब संसद में कामकाज नहीं होता तो राजनीति देश को दिशा देने के अपने मूल दायित्व से किनारा करने के साथ ही समाज और देश की अनदेखी भी कर रही होती है। आवश्यक विधेयकों को पारित कराने में बाधा डालना जानबूझकर देश की राह को रोकना है। क्या यह आवश्यक और अपेक्षित नहीं कि जब संसद के इस सत्र को अंतिम पूर्णकालिक सत्र माना जा रहा है तब पक्ष विपक्ष अपने आचरण से संसदीय कार्यवाही की कोई उजली तस्वीर दिखाएं। हैरानी है कि ऐसी कोई कोशिश उस राज्यसभा में भी होती नहीं दिखती है जिसे वरिष्ठ जनों का सदन कहा जाता है और जिसके बारे में यह धारणा बनाई गई है
वहां अधिक